हमारे तो झंडे मजबूत आवेंगे, उस दिन डंडे मजबूत आवेंगे, उस दिन ये प्रशासन फैसला कर लेगा। बालका की जिंदगी खराब करवा दी साथियों कह कह, तो इनका की इन तो लुकदा क्यों फेरा है। हम तो किसी नेता नहीं समझते, हम तो नेता उन माना हाँ जो 24 घंटे रोड के ऊपर पड़े रहे हैं। भैया तो एक अफसर सा है, इतनी तो न्याय करना चाहिए, या पूछा लागी करण लिया मन ने दुआ एक दिन खातिर देखा सर सारा ने नहीं गोद तो कोई नेता बोलिया साथियों जेजेपी बीजेपी का विरोध करो, आज वही नेता ही जनता ने पाछा देगे। कन्यू को बेरा हरियाणा वाले ने तो दे दिए थे 1200 वोट, पंजाब वाले तो 12 जूत देवेंगे। ये बाज रहा बाज क्यों रहा, 4 दिन हो गए दिखाड़ो जो मतलब साथियों करा करा, मैं नाम भी ले दूंगी मैंने कि मैं हो भी नहीं है। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है उस दिन से आज तक एक ऐसा चेहरा ऐसा शख्स है जो लगातार चर्चा के अंदर रहता है, बेखौफ बोलने में अपनी एक क्षमता रखता है, वो मेरे साथ मौजूद है ताई सुदेश कंडेला। मैं पहले बता देना चाहता हूँ दर्शकों को भाई, ताई सुदेश कंडेला अगर आप हरियाणा की बात करें, ताऊ देवीलाल का नाम पड़ा था, हरियाणा के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर ताऊ की उपाधि दी गई थी, और आज की अगर मैं इस समय की बात करूं तो ताई सुदेश कंडेला ताई के नाम से मशहूर है। नमस्कार जी। नमस्ते बेटा, ठीक हो? ठीक जमा, ठीक तो करके यहाँ रोड पर पड़े। हाँ अच्छा, आज तो पहली बात तो करेंगे यहाँ पे कुलदीप राणा, कुलदीप सात रोड की, जो आज एक हफ्ते के करीब हो गया है वेंटिलेटर के ऊपर अपनी सांसें ले रहा है, उसके ताज़ा हालात कैसे हैं? भाई ताज़ा हालात उसके कोई हालात नहीं, उसकी इतनी नाजुक जिंदगी हो रही है आज का दिन, उसका कोई भरोसा नहीं। और जीवेगा न मतलब वो फिर भी इसी जिंदगी को जीवेगा, वो आपकी खुद की जिंदगी जीवेगा, वो एक जीवेगा जब भी वो ना है जीने वर्गा होगा, मतलब उसका चोट इसी गहरी लगी हुई है। डॉक्टर ने कहा कि बेरा दिमाग भी ठीक हो उसका नहीं, उसका वो तो सो दिया होगी जब बेरा लगेगा। तो आज आपने लगातार CSP ऑफिस का घेराव किए हुए चौथा दिन चला हुआ है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत का कोई समाधान का रास्ता नजर नहीं आ रहा। समाधान तो भाई या सरकार हुआ है बात से, बेशर्म तो सरकार है या बेशर्म सरकार है या शर्म हो तो ये काम करे नहीं। और फिर आज ते या जो SP है ना, या ये मतलब जो घटिया आदमी है ना इसमें सरकार में, या तो एक अफसर सा है, इतनी तो न्याय करना चाहिए, या ये पूछा लागी करण और तो छोड़ो, मत नहीं और को हरियाणा ने जो हसी में SP है ना बेचारी थोड़ी ही उम्र की है, तो बेटी से ले मारी दो है। और यह कर है भाई पूछा किसका तो मेरे मुर्गी का दौरा उठा है, किसका भाई भूत बड़े है, सबका पूछा या कर है, आओ 10 रुपये लाओ इसका हाजरी। और यह पूछा मैं सबका न्यू बता देगी उसका न्यू हो गया। SP बन का इतनी शर्म आनी चाहिए, क्यों बैठी है फिर कुर्सी पर जब इसका बस का नहीं है तो कोई न्याय पानी करना, अपना इस्तीफा दे अपना घर रह लो, जब इसका बस का जब यह इन तडरा है न तो फिर यह अफसर क्यों बने रही है। लिया मन ने दुआ एक दिन खातिर देखा सर सारा ने नहीं गोद तो SP बन रही है, कोई छोटी चीज को नहीं आ तो फिर यह इन तडर है, हम तो इसने SP मान दे कोई नहीं भाई। ठीक तो तई अगर मैं बात करूँ आज हंसी धरने की बात करूँ, जितनी यहाँ भीड़ होनी चाहिए थी किसानों की तरफ से, वो भीड़ भी यहाँ देखने को नहीं मिल रही। या तो भाई भीड़ आज देखो मीटिंग चल रही है, इव देखो के एक दिन काल करके और फिर देखेंगे आगे का निर्णय के लेंगे, आगे मोर्चा किसान मोर्चा के करेगा, इव मीटिंग चल रही है। बात रही मीटिंग की, अगर मैं किसान नेताओं की बात करूं तो वो जो किसान नेता हर जगह आगे मिलते हैं वो हंसी के इस धरने में कुछ दिखाई नहीं दे रहे, उसके पीछे क्या कारण है? भाई कुछ नेता तो ऐसे थे, मारी लड़ाई तो थी मोदी गल है, इन गल तो मारी लड़ाई भी नहीं थी। शुरू में एक कोई नेता बोला साथियों जेजेपी बीजेपी का विरोध करो, आज वही नेता ही जनता ने पाछा देगे,
40,000 बाका पर मुकदमे करा दिए उस नेता ने, और केरा कै मरुआ दिए, कितने के सिर फड़ुआ दिए। आज लुक गया क्यों, क्यों लुक गया? और आगे फिर कॉल करा है दिल्ली चलो 22 तारीख ने, अरे इतने मरुआ दिए, इनका तो न्याय पानी कर दे, अगला नोर मरुआ का बैठ जाएगा। इसकी मैं तेन को कोई भी नेता खिलाफ बयान दे किसी की नहीं माननी भाई, अपना देखना है, शांति तो धरना चलना चाहिए अपना, और जो शांति तो लड़ांगे ना उसमें शांति का फल मीठा हो है। ये जो इसे से नेता है ना जो ये इन्हें तो न्यू छुटकारा हो रहा है, कोई अड़त धरना मतलब न्यू बजा बजू का जूत ठुआ कर कोई तम इलेक्शन लड़ो उड़ा जाकर टिकट लियो उसमें पंजाब में, अरे लेकर न्यू कौन बेरा हरियाणा वाले ने तो दे दिए थे 1200 वोट, पंजाब वाले तो 12 जूत देवेंगे, कदे न्यू समझदा हो 12 जूत मार का अर्जी भेजेंगे इन नेता ना जो सही है राजनीति कर रहे हैं। दुनिया बहुत सियाणी होगी, शीशा होगी, कोई नेता अपनी जान में कोई नेता पाक्या रो, हमें तो किसी नेता नहीं समझते, हम तो नेता उन नमाना हाँ जो 24 घंटे रोड के ऊपर पड़े रहे हैं, तंबुआ में पड़े हैं, हम तो कोई नेता नहीं मानते इन। और जो किसान मोर्चा है 40 उनमें जो बढ़िया होकर है उनमें अगवानी 10 से 15 कर रहे हैं, उनकी सब मानना है, किसान मोर्चा जो काल देवा है उनकी सब मानना है, जो एक 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 उफड़े है साथियों न्यू कर दो न्यू कर दो, उन साथिया की हम कोई नहीं मानता, जमा हमें नाराज है इन बातों तक खिलाफ सा जय यू नहीं, ये नारा देवर ने पंजाब में कौन होंगे इनका विरोध, उपी में कौन होंगे उनका विरोध, अरे 40 बाका की जिंदगी खराब करवा दी साथियों साथियों कह कह, तो इनका इन तो लुकदा क्यों फेरा है, जो जिसने ऐलान करा था क्यों नहीं आंदा, इब संभालो आकर इब बाज रहा बाज क्यों रहा, 4 दिन हो गए दिखा रहो जो मतलब साथियों साथियों करा करा, मैं नाम भी ले दूंगी मैंने कि मैं वो भी नहीं है, पर ले दो बता दो किसका जिक्र, चडूनी गुरुनाम सिंह, हाँ गुरुनाम सिंह चडूनी ने सारा हरियाणा बाढ़ ला दिया, इनका विरोध करो बाका के ऊपर करा के मुकदमे, करीब लुक गया क्या, तो लुक रहा भाई। अगर मैं गुरुनाम सिंह चडूनी की बात करूं, गुरुनाम सिंह चडूनी के संगठन से अभी मेरी सुमन उड़ा से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हमारे को आदेश दे रखे जो भी फैसला होगा शर्माते हैं हम आपके साथ हैं, वो आ नहीं पाई। सुमन उड़ा उसका क्यों कर लेगी, सुमन उड़ा का पहली बात तो जला है हल्का है, इतनी तो उंगी भाई बिल्ला परिवार का गेल भी चलना पड़ेगा, गांव गेल भी चलना पड़ेगा, गुआंड गेल भी चलना पड़ेगा, जला गेल भी चलना पड़ेगा, या उसकी क्या अगुवाई करेगी भाई सुमन, सुमन मतलब अगुवाई तो खुद करके हुए भी नहीं कर सकते, किसी का बदलम एक ला भगवान का करता हुआ एक लाई जावा है, कोई दूसरा बदलम दूसरा कर देगा को कुछ, फिर ये तो खाम खाई के ये तो एक आड लेने की बात है, उसने आना चाहिए या तो या क्यों निकंदी, मैं तो अपना मेरा जिला है मेरा हल्का है मैं मेरा परिवार का साथ खड़ी हूँ, उसका नाम लेकर क्यों खड़ी है या पागल है या इसी बात को मैंने नहीं पसंद किया बात। तो इसका क्या असर पड़ेगा ताई, सब नेता अपने अपने झंडे के नीचे अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए हैं, आंदोलन पर इसका कितना का असर मानो आप? कोई झंडा ना मजबूत नहीं करता, और कोई नेता मैं तो बार बार कहूँ हमने देखो आगे फैसला करनी है तो 5-7 तो चाहिए, इसी बात नहीं सारी जनता तो देख लड़ाई नहीं लड़िया कर दी, बात करनी है तो थोड़े होया करें, वह हमने इनके ऊपर विश्वास है जो से वह विश्वास लायक से किसान मोर्चा में उन्हें का ऊपर ही आंदोलन चल रहा है, और उन्हें का जनता ने भरोसा है, या तो भूल जाओ वो जो से निकली नेता बने फिर रहे अकमा रहे तान है, कोई जनता किसी का तान नहीं, यू आंदोलन भगवान के बीच और आम जनता के बीच है, कोई नेता कदे अपने धोखा में रह जाओ मेरा पक्ष न्यू है मेरा पक्ष, कोई किसी का पक्ष नहीं, एक बार लड़ाई जीत लेंदे उदे नाम ने न्यू बता दिया आज उसका दोहरा खड़ा है, कोई सब अपने दिल से जुड़ रहे हैं अपनी लड़ाई सबकी एक से, पेट का सवाल है या पेट की और अपनी नस्ल की और फसल की लड़ाई है या, और कोई किसी की नहीं, मैं न्यू कह दी मैं तेरा खातर आ रही हूँ मेरा खातर किसी का खातर कोई नहीं आ रहा, सब आप अपने अपना दर्द मारे हड़ जम। अगर 4 दिन हो गए इसी प्रकार धरना आगे चलता रहे और प्रशासन आपकी कोई बात ना सुने, तो आपका अगला फैसला क्या होगा, अगला कदम क्या होगा? ये मीटिंग चल रही है, ये मीटिंग चल रही है, जय वो फैसला होगा तो होगा, अरे नहीं मारा फैसला तो तने बेराए है, मारे तो झंडे मजबूत आवेंगे उदन डंडे मजबूत आवेंगे उदन आई प्रशासन फैसला कर लेगा, हमें डील न्यू चल रही है भाई, मारा बेटा नाजुक है जमाए मौत कर जिंदगी का बीच है,
कल ना आज हम फैसला करके खड़े हो जाए तड़का उस बेटा गेलो हो जाए तो कल नुका जे फैसला हो गया माँ में किसान मतलब या ढील बरत रहे ओ आमदन का भगवान उसके सांस दे ओ जी सा था इशाए करो मारा बीच में आवे ओ ठीक हो जाएगा तो मारा फैसला हम जब और भी तोड़े करांगे। तो भाई आपने ये जय जवान जय किसान आपने ये विचार सुने भाई बेबाक बोलने वाली मैंने पहले ही बोला था और जिस तरह आपने बातें सुनी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से राय जरूर दियो। धन्यवाद। जय हिंद जय जवान जय किसान।